महावारी स्वच्छता दिवस पर महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया, जिसके समापन के मौके पर भोजपुरा कच्ची बस्ती में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने महिलाओं को और युवतियों को भी इस मौके पर मास्क, साबुन और सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। इस मौके पर यातायात पुलिस जयपुर के पुलिस अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक ने इस पर बताया कि महावारी स्वच्छता सप्ताह के दौरान महिलाओं और युवतियों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। जयपुर ने महावारी स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत की थी। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जब पिंक चौराहा बनाया था तो वहाँ पे हम लोगों ने विशेष तौर पे एक वेंडिंग मशीन लगाई थी, जिसमें से कोई भी आकर के फ्री में सैनिटरी पैड ले सकता है। मुख्य तौर पे इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य मातृशक्ति को सम्मान देना था, जिनके कारण पूरी मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, जिनके कारण मानव जाति जीवित है और प्रगति कर रही है। महावारी से रिलेटेड जो स्वच्छता की बातें हैं उसको लेके लोग जागरूक हो, इसकी बात करने से झिझके नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। उस समस्याओं को लेके डॉक्टर तक जाएं और सैनिटरी पैड्स का उपयोग करें। हम लोग कई बार देखते हैं कि जो चीज़ें महामारी से जुड़ी हुई हैं उसको बात करने से झिझकते हैं, STD जो होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसको लेकर के बात करने से झिझकते हैं। इवन कई बार हम अपने बच्चों को जो गुड टच बैड टच की जानकारी देनी चाहिए वो भी हम देने से झिझकते हैं, और फाइनली इन सबका बुरा प्रभाव हमारे घर के ऊपर ही आता है। तो हमारा उद्देश्य ट्रैफिक पुलिस का, पुलिस कमिश्नरेट का यही उद्देश्य था कि इसके माध्यम से एक तरफ तो हम जरूरतमंद को सैनिटाइज